साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। देखिए भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा महज 18 दिन के बाद हरियाणा पहुंच गई है, लेकिन बीजेपी ने यहां बड़ा ऐलान कर दिया है। बीजेपी पार्टी के तमाम नेताओं ने कह दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर दिया जाए। राहुल गांधी पूरी कोशिश करें कि भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त कर दिया जाए। इसका सबसे बड़ा कारण बताया है कि कोरोना लगातार फैल रहा है और चीन से लगातार जो है मामले बढ़कर आ रहे हैं और भारत में भी 2-4 केस मिल गए। इसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर दिया जाए, जबकि जयराम रमेश ने कहा है कि हम सारे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, हम मास्क भी लगाएंगे, लेकिन यात्रा बंद नहीं करेंगे। जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा है कि संकुल स्तर पर, जिला स्तर पर, उसके बाद जो है प्रांत स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हर महीने जो है रैलियां निकाली जाएंगी। यहां पर जयराम रमेश ने एक तगड़ा ऐलान और कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी से हाथ से जोड़ो हाथ अभियान आने वाला है, जो एक भारत जोड़ो यात्रा के बराबर ही होगा और जनता को जोड़ने का काम किया जाएगा। लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने कहा है कि हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम रुकेंगे नहीं, हम ठहरेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि नफरतों के बाजार में, जी हाँ, उन्होंने कहा है कि नफरतों के बाजार में हम प्यार की दुकान खोल देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वही बीजेपी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जबकि आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को अभी से रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अभी तो कारण दे दिया है कोरोना का, जब से रोकने का प्रयास किया जा रहा है तब से भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई। भारत जोड़ो यात्रा में लगातार कह दिया गया है कि राहुल गांधी बौखला गए हैं, राहुल गांधी को पहले पार्टी जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, इससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से राहुल गांधी को प्यार मिला, जिस तरीके से भारी संख्या में राहुल गांधी के साथ लोग जुड़े, अब नहीं लगता है कि राहुल गांधी रुकने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक बार अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो कोई हरा नहीं पाएगा। राहुल गांधी लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि महंगाई क्यों है, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि आज युवा रोजगार क्यों है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार कहती है कि पकौड़े बेचो, पकौड़े बेचने के लिए पैसे होना चाहिए, लेकिन पैसे है कहां, आप पैसे दीजिए उससे रेवड़ी लगा लेंगे, उससे पकौड़े बेच देंगे। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आज विपक्ष को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। भाई संसद सत्र में भी जो है राहुल गांधी और तमाम नेताओं के माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। तो आप बताइए कि जिस तरीके से जो कोरोना का रीजन यहाँ पर दिया है, इससे भारत जोड़ो यात्रा रुकेगी क्या? राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर देंगे? कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।